आपने 3 वीडियोस ऑलरेडी इंडिया ट्रिप के देखे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को अपनी फैमिली से मिलवाया, अपनी भतीजी से मिलवाया, अपने इन लॉज की फैमिली से मिलवाया। अब ये जो 4th पार्ट है, इसमें हम लोग अपने कॉलेज जाने वाले हैं, तो दीपक और हमारी जो लव स्टोरी है वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। और वो एक मेन जो कॉलेज है हमारा, वो एक मेन क्या बोलते हैं यार उसको, दीपक क्या बोलते हैं, क्या फैक्टर जगह है हम लोगों की स्टोरी का। तो आज हम आपको वो दिखाने वाले हैं इस वीडियो में, और उसमें मतलब बहुत सारी यादें हैं। जब हम लोग अंदर गए तो हमें बहुत सारी जो पुरानी यादें, मतलब यादें थी वो आई, पुरानी मतलब दीपक 14 इयर्स बैक चले जाओ, है ना, बहुत 12-13 साल हो गए, 12-13 साल पुरानी यादें। तो एक इमोशनल चीज़ें हैं, प्लस दीपक के दोस्तों से भी मिले। तो अब देखिए आप ये वीडियो। पहले आए थे हम लोग यहाँ, 10 साल पहले नहीं आया तो 14 साल पहले था, 10 साल पहले निकल गया था यहाँ। तो वो बाईपास तुमने देखे नहीं? हाँ वो देखा, पिछली बार देखा था ना। गुड्डू तो विदिशा में रही भी है ना। इसको फोटोकॉपी कैसे कराना? सारी हैं आते हैं जुगल भैया। देखो दीपक और हम अपने कॉलेज में आ गए हैं। कैसे बच्चे बच्चे से लग रहे हैं सब यार, तो बच्चे हैं यार ये सब बच्चे हैं, कितने बड़े बड़े हैं, जरा जरा चूहे जैसे दिख रहे हैं। तो ये बच्चे हैं यार। कौन कौन? कागज की कश्ती थी, नदी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में, वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था। ये लाइन मुझे इसलिए यहाँ पर याद आ रही है क्योंकि हम लोग यहाँ पर 12th के बाद आए थे और वो हमारा था बचपन। इस कॉलेज ने हमें बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलवाया, बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं जो इस कॉलेज से हैं हमारी। और वो सेमेस्टर में रात रात भर जागना और फिर अगले दिन एग्जाम देना, वो तो हम भूल ही नहीं सकते। ये वही कॉलेज है जहाँ पर दीपक और हम मिले। आप लोग बहुत टाइम से पूछ रहे थे तो मैंने सोचा बता दूं। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि यार आप क्यों आए हो यहाँ पर, तो आने का रीज़न ये है कि मैंने अभी तक अपनी डिग्री नहीं निकाली थी। हाँ बहुत टाइम हो गया बट नहीं निकाली थी, ठीक है अब निकलवा लेती हूँ। एक चीज़ और मैं बताने वाली हूँ कि यहाँ जो आप यहाँ पर ड्रेसेस देख रहे हो ना, लाइक अ यूनिफॉर्म, वो हमारे टाइम पे नहीं थी, जो बहुत अच्छी चीज़ थी। और अब जब मैं देख रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट मेरा कॉलेज लग रहा है। यहाँ से मैं गुजर रही हूँ, ये ऊपर जो आप देख रहे हो ये मेरा डिपार्टमेंट है। तो हाँ मैंने बहुत सारा टाइम यहाँ पर स्पेंड किया, और दीपक और मैं यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि हम लोग एज ए मैरिड कपल आज यहाँ पर आए हैं। और हम लोग ये भी बात कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज़ बनी हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ बिगड़ी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप आगे देखो, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग बताने वाले हैं। Negro gas, I'll melt your heart.
बहुत बार ये दीपक यहाँ मुझसे मिलने आता था, यहाँ मिलने आता था मुझसे बहुत बार। कलर वाला भी इसके अलग ही हो गए। हाँ, ये लोग हमें ऐसे देख रहे थे, इन्हें क्या बता हम इनके सीनियर्स हैं। अच्छा चलो, एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आप लोगों को। उस टाइम पे हमारे पास कोई भी कैमरा ऐसा नहीं था जिससे हम फ़ोटो खींच सकते थे, इसलिए हमारे पास पुराने कोई बहुत अच्छे पिक्चर्स नहीं हैं। बट क्या हाल है बल्ली भाई? बल्ली तो तुम दोनों चमक गए यार। और बताओ। बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलो मेरे बारे में। कितना मतलब क्या बोला? बुरी बात हो गई। कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलो। मुझे लाया ना। अच्छी बात बोल रहे हो। नहीं अभी 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 कोई कंटेंट नहीं मिलेगा, अभी भावनाएं निकल रही है दिल की। अभी पहले तो अलग ही दिख जाते थे, पहले तो अलग ही दिख जाते थे, कहीं भी खड़े रहते थे। बढ़िया, तुमने शादी कर ली? मैरिड हो गया। शादी कर ली? मतलब हाँ शादी कर ली। क्यों कर ली? अरे वीडियो के सामने सब नर्वस होने हैं, कोई भी बोल के कुछ। उसका मेन कैरेक्टर ये है। अब बताओ क्या किया था आपने? कहाँ? क्या? बहुत कुछ किया। किस बारे में बात कर रही है? जो फोन पे झूठी झूठी बातें बताई थी। ये बता दिया था क्या इसको? 10 साल हो गया, ब्याह हो गया, अब अपने ना बता। तो ऐसा हुआ था, आप ग्राम चल के करते हैं। पहले थोड़ा यूज तो होने दो, पहले इधर उधर की कोई बात करो। शूट होने दो, वो तो अपन काट देंगे। ऐसा हुआ था, एक रात हम बैठे हुए थे, गहरी सुनसान रात थी, तो तुमने सोचा किसी को बेवकूफ बनाए तो मुझे ही बना दिया। चलो सेटिंग करवाते हैं, सेटिंग करवाते खेल रहे थे। बिल्कुल करवा दी सेटिंग यार। आज आजकल लाइट जलाने लाइट जलाने क्या होता है? लाइट जलाने आता हूं कौन था यार? ये मेरा कॉलेज मालूम है ना मुझे। कितना अच्छा लग रहा है कॉलेज में आके। और लेकिन यहाँ ड्रेस हो गई, पहले ड्रेस नहीं थी हम लोगों की। हाँ वो तो यहीं रुकेंगे, उसके उनके तो दोस्त आ गए ना अभी। माला वाला लेके आए थे। कह रहे तुम्हें अपन ओमनी से कई बार आए ना पेपर देने पहले। हाँ जब मैं सेकेंड ईयर में थी, फिर पापा मेयर बन गए थे सेकेंड ईयर में। जब हम स्कूल में थे हमेशा कॉलेज में आना चाहते थे, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कॉलेज इज़ फुल ऑफ फन, फुल ऑफ मस्ती, और यहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं, आज़ादी है।
और उस टाइम पे हमने ये रियलाइज नहीं किया कि वहाँ पर हम बहुत सारी मेमोरीज इकट्ठी कर रहे हैं जो इस मोमेंट पे आके आई थिंक इतने साल बाद आके हमें याद आएगी और सेम टू सेम उसी तरीके से रिकॉल होगी जैसे इतने साल पहले थी। दीपक अपने दोस्तों के साथ वहीं रुक गया है, टाइम स्पेंड करेगा। मैं, मेरी सिस्टर और मेरे पापा वापस जा रहे हैं अपने घर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ऑब्वियसली हम लोग जर्मनी में बैठ के इसकी एंडिंग कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे हमारे फ़ोन में और कैमरे में इतना स्पेस भी नहीं था, प्लस हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था। बट हाँ, ये थोड़ा सा हाईलाइट्स थी। अब हम लोग अगले दिन जाने वाले हैं भोपाल, द सिटी ऑफ लेक्स। शायद आपने सुना होगा हमारे फ्रेंड्स की शादी है वहाँ पर, बहुत अच्छे फ्रेंड्स की शादी, तो हम आपको वो दिखाने वाले हैं। हम अपनी एक दोस्त के यहाँ रहने वाले हैं, वो दिखाने वाले हैं हम न्यू मार्केट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम 13 साल पहले जाते थे वो दिखाने वाले हैं। तो अगला पार्ट ज़रूर देखना और ये कैसा लगा वो ज़रूर बताना नीचे। जाने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो ये रेड बटन है ये क्लिक करनी है। इन केस आपने गूगल अकाउंट से लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन कर लेना, वो आपसे आपका बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, जिसमें डरने की कोई बात नहीं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लिया, मतलब ग्रे बटन दब गया। और हाँ, ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको मेरे वीडियोस कब आए ये पता ही नहीं चलेगा। तो जो बेल की घंटी है वो ज़रूर दबाना और लाइक करना मत भूलना गाइस।